न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं रीवा की, जहां नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के संबंध में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम 1964 के तहत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या फिर किसी अन्य साधन के माध्यम से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन से संबंधित बात का संप्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। ओपिनियन पोल के परिणाम भी किसी निर्वाचन संबंधी बात के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से ये स्पष्ट है कि इस समयावधि के भीतर ऐसे पोल परिणाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जा सकते। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क कर तैयार किया जाता है और इसमें इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात ही प्रसारित या प्रकाशित किए जा सकते हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के संबंध में भी किसी भी संचालित ओपिनियन पोल परिणाम के मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 6 जुलाई को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 4 जुलाई के शाम 5 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण की 13 जुलाई को शाम 5 बजे तक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधे घंटे बाद ही प्रसारित या फिर प्रकाशित किए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।